यह समय 65 मिलियन साल पुराना दिखाया जाता है। इस समय पृथ्वी पर हर तरह के जानवर रहा करते थे, जिसमें डायनासोर सबसे शातिर जानवर थे। यहाँ डायनासोर जानवरों का शिकार करने के लिए आता है तो सभी जानवर अपनी जान बचाकर समुद्र में भागने लगते हैं, जिससे डायनासोर उनका पीछा करके समुद्र में चला जाता है। तब मेगालोडॉन नाम की शार्क पानी से निकलकर उस डायनासोर को खा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जोन नाम का आदमी अपने हथियारों से एक कैंटीन में छेद करके बाहर आता है। असल में जोन समुद्र के बीचों बीच चल रही शिप पर था। इस शिप पर कई सारे कंटेनर्स मौजूद थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जोन इल्लीगल कामों के बारे में कुछ सबूत इकट्ठे करने के लिए शिप पर आया था। कंटेनर से बाहर आकर वो कुछ लोगों को केमिकल से भरी कैंस को समुद्र में फेंकते हुए देखता है, इसलिए वो उन लोगों की फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो रिकॉर्ड फाइल की फोटो लेने के लिए शिप के ऑफिस में जाता है, जहाँ एक तोता उसे देखकर चिल्लाने लगता है, जिससे शिप के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और जोन पर हमला कर देते हैं। पर जोन उनसे बचकर भाग जाता है और उसके बीच आ रहे लोगों को बुरी तरह पीटने लगता है, लेकिन शिप के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, जिससे जोन अपनी फाइट स्किल से उन्हें मारता है और शिप के ऊपर आ जाता है। पर यहाँ भी गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए जोन समुद्र में कूद जाता है। ठीक उसी समय जोन के साथ ही मैक और रिगास एक प्लेन लेकर वहाँ आते हैं और जोन को बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद हम चाइना के ओशियानिक इंस्टीट्यूट हाइनान के डायरेक्टर ज्यूमिंग और उसकी इन्वेस्टर हिलरी को देखते हैं, जो कि अपने नए इन्वेंशन का टेस्ट कर रहे थे। असल में ज्यूमिंग की टीम ने एक स्पेशल सूट बनाया था, जो कि इंसान में लड़ने की ताकत बढ़ाता है, और इस सूट को पहनकर आसानी से समुद्र की गहराई वाले मिशंस किए जा सकते हैं। यहाँ ज्यूमिंग उस सूट को पहनकर बड़ी आसानी से पत्थर को तोड़ देता है। इसी दौरान ज्यूमिंग की भतीजी मेंग वहाँ आती है और अपने अंकल को आज रात होने वाली पार्टी के बारे में याद दिलाती है। असल में यह पार्टी उनकी कंपनी के 10 साल पूरे होने पर रखी गई थी। इस पार्टी में हम जोन को भी देखते हैं, जो कि ज्यूमिंग के दोस्त का भाई है। साथ ही हमें पता चलता है कि जोन ने मेंग को गोद लिया होता है। यहाँ ज्यूमिंग स्टेज पर आकर अपने इन्वेंशंस के बारे में बताता है, साथ ही वो अपने इंस्टीट्यूट के पूल में रहने वाली मेगालोडॉन शार्क दिखाता है, जिसका नाम उसने हाइकी रखा था। दरअसल जब हाइकी छोटी थी, तब उसकी टीम ने उसे समुद्र की 2000 फीट की गहराई से पकड़ा था। ज्यूमिंग बताता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने हाइकी से बहुत कुछ सीखा है और उसकी मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वह समुद्र की गहराई तक जा सकेंगे। अगले दिन मेंग जोन के साथ समुद्र के मिशन में चलने का कहती है, जिस पर जोन उसे मना करता है, क्योंकि वह अब भी छोटी है और समुद्र में खतरा होता है। इसी दौरान रिगास वहां आती है और जोन को बताती है कि ज्यूमिंग हाइकी के पूल में गया है। यह सुनकर वो ज्यूमिंग को देखने के लिए भागते हैं। जोन ज्यूमिंग से कहता है कि उसे हाइकी से खतरा हो सकता है, लेकिन ज्यूमिंग को विश्वास था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। इसके बाद ज्यूमिंग हाइकी का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे हाइकी उसके पास आ जाती है और उसके चारों ओर कर अचानक से उस पर हमला कर देती है। यहाँ बाहर जोन और उसके साथियों को ज्यूमिंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे उन्हें लगता है कि हाइकी ने उसे खा लिया है। पर तभी वह पूल से बाहर आता है और बताता है कि शार्क के हमला करने के पहले ही वह पूल से बाहर निकल आया था। यहाँ जोन और ज्यूमिंग बात करते हैं कि इस वीक से हाइकी काफी अजीब बिहेव कर रही है। कुछ समय के बाद ज्यूमिंग और उसका ग्रुप एक मरीन रिसर्च सेंटर में जाते हैं, जिसे मानावन नाम से जाना जाता है, और इस सेंटर को वो अपने बेस के रूप में यूज करते थे। इसी रात हाइकी पूल की दीवार को तोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन ज्यूमिंग और उसकी टीम 2 सबमरीन लेकर समुद्र के मिशन को करने जाती है, जिसमें पहली सबमरीन में जोन रिगास और सेल होते हैं और दूसरी में ज्यूमिंग लांस और कर्टिस थे। वहीं मैक जेस और डीजे रेडार पर नजर रखने के लिए बेस में रुकते हैं। जब सबमरीन गहराई में जाती है, तब उन्हें सीसीटीवी पर कुछ हलचल दिखाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि सबमरीन के अंदर मेंग है, जो कि चुपके से अंदर घुस आई थी। जोन मेंग को वहां देखकर मिशन कैंसिल करने को कहता है, जिस दौरान वो रेडार पर देखते हैं कि एक मेगालोडॉन शार्क उनकी ओर आ रही है। तभी उनके कंप्यूटर हाइकी के ट्रैकर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे सब समझ जाते हैं कि जो मेगालोडॉन उनके पास आ रही है वह कोई और नहीं बल्कि हाइकी है। हाइकी उन पर अटैक कर पाती इससे पहले वह समुद्र की थर्मोक्लाइन लेयर के अंदर आ जाते हैं। तब उन्हें वहाँ एक और मेगालोडॉन दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यह शार्क हाइकी के साइज से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। अब ज्यूमिंग सबको और भी गहराई में ले जाता है। तब ऊपर देखने पर उन्हें हाइकी किसी मेल मेगालोडॉन के साथ दिखाई देती है। इससे उन्हें पता चलता है कि यह समय मेगालोडॉन के मिलन का है और इसी वजह से हाइकी अजीब बिहेव कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पानी के नीचे एक सीक्रेट स्टेशन दिखाई देता है, साथ ही उन्हें वहाँ एक सबमरीन भी मिलती है, जिसमें मोंटेस नाम का आदमी बैठा था, जो कि इल्लीगल माइनिंग ऑपरेशन को लीड कर रहा था। असल में मोंटेस हैवी मिनरल्स की चोरी करने आया था, इसलिए उसके लोग चट्टानों में
बॉम्ब लगा रहे थे। खैर, मोंटेस यहाँ जूमिंग की सबमरीन्स को देख लेता है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए चट्टान पर लगे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ इस ब्लास्ट से जूमिंग की दोनों सबमरीन्स के ऊपर एक चट्टान गिर जाती है, जिससे उनका बेस से कांटेक्ट टूट जाता है। इधर मैक जेस से कहता है कि हम अपनी सबमरीन से टीम को रेस्क्यू करने जाएंगे, पर जब जेस सबमरीन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सबमरीन में तोड़ फोड़ करके उसे खराब कर दिया है। मैक को लगता है कि उनकी टीम का कोई मेंबर उन्हें धोखा दे रहा है। इधर सेल किसी तरह अपने बेस से कांटेक्ट करती है, जिससे जोन और मैक दोनों आपस में बात कर पाते हैं। जोन को मैक से पता चलता है कि उनकी रेस्क्यू सबमरीन खराब हो गई है, इसलिए जोना स्पेशल सूट पहनकर समुद्र में बने स्टेशन में जाने का फैसला करता है। अब क्योंकि इस सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, इसलिए उन्हें जल्दी से स्टेशन तक पहुंचना होगा। खैर, अब सभी लोग सबमरीन से बाहर आकर चलना शुरू करते हैं। तब जोन को ज्यूमिंग और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं। ये जगह काफी सुंदर थी क्योंकि यहाँ चमकने वाले पौधे थे। जब लांस उन पौधों को करीब से देखता है, तब अचानक से एक क्रिएचर वहाँ आ जाता है, जिसे वह लोग डराकर भगा देते हैं। इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें अंधेरे में कुछ हलचल नजर आती है, और जब वह पीछे मुड़ते हैं तो एक खतरनाक क्रिएचर लांस को लेकर भाग चुका था, जिससे सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी से स्टेशन की ओर जाने लगते हैं। इस बीच मैक, डीजे और जेस को सीसीटीवी फुटेज और सभी एम्प्लॉइज के बारे में जानकारी निकालने को कहता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी टीम में कौन धोखेबाज है। इधर मोंटेस हिलरी से कांटेक्ट करता है, जिससे पता चलता है कि वह हिलरी के लिए काम कर रहा है। उससे ज्यूमिंग और उसकी टीम को मारने के लिए कहती है, क्योंकि उन लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी तरफ सेल को देखते हैं, जो कि बहुत घबराई हुई थी, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन लेवल जल्दी घट रही थी। तभी मगरमच्छ की तरह दिखने वाले क्रिएचर का ग्रुप उन पर हमला कर देता है, जिससे सभी लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान कर्टिस का हेलमेट डैमेज हो जाता है। वहीं ज्यूमिंग देखता है कि मेयंग खतरे में है, इसलिए वो एक फ्लेयर जलाकर उन जानवरों को डराकर भगा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी मोंटेस वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां 2 मेगालोडॉन शार्क आ जाती है और उन पर हमला कर देती है, पर किसी तरह वो लोग उनसे बचकर स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। इस बीच सेल ठीक से सांस नहीं ले पाती है और वहीं पर गिर जाती है, जिससे शार्क उसे अपना शिकार बना लेती है। तब बचे हुए लोग स्टेशन में जाकर गेट बंद कर लेते हैं, जिससे शार्क उनका पीछा छोड़ देती है, पर कर्टिस के हेलमेट के डैमेज होने से उसके सूट में प्रेशर बनने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ जोन, माइंग, जूमिंग और रिगास ही बचे थे। वह चारों अपने सूट को निकालते हैं और स्टेशन की जांच करते हैं। तब मेयर कंट्रोल रूम में जाकर मैक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ उन्हें मोंटेस के चोरी किए मिनरल्स मिलते हैं, जिस पर जूमिंग कहता है कि इन मिनरल्स का उपयोग एरोस्पेस में किया जाता है और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसी दौरान मेंग जेस से कांटेक्ट कर लेता है। जेस उन्हें बताती है कि इस स्टेशन के दूसरे कोने पर 2 इमरजेंसी पॉड्स है, जिनसे वो ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद सभी पॉड्स के पास जाते हैं, जहाँ जूमिंग देखता है कि इस स्टेशन पर आए लोग उसके बनाए सूट का यूज कर रहे थे, जिससे ज्यूमिंग समझ जाता है कि यह काम उसी के टीम मेंबर का है। अब चारों पॉट्स तक पहुंच जाते हैं, जिस दौरान वहां का गेट अपने आप बंद हो जाती है और वहां लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस स्क्रीन पर जेस थी, जो बताती है कि ये स्टेशन मेरे कंट्रोल में है, जिससे सबको पता चल जाता है कि उनकी टीम मेंबर जेस ने उन्हें धोखा दिया है। तभी जेस एक पॉट को रिलीज कर देती है, जिससे उनके पास सिर्फ एक ही पॉट बचता है। फिर जेस रिगास से कहती है कि अगर तुम्हें अपने लोगों की जान बचानी है तो जोन को मारना होगा, जिस पर जोन अपने साथियों के लिए खुद की जान देने के लिए मान जाता है, पर रिगास उसे नहीं मारती, जिससे जेस दूसरा पॉट भी रिलीज कर देती है। जिसके बाद हिलरी स्क्रीन पर आती है और बताती है कि मैंने ज्यूमिंग के इन्वेंशन से कई इलीगल काम किए और काफी पैसे कमाए हैं, और आगे भी मैं इसी तरह काम करूंगी। ये सुनकर ज्यूमिंग गुस्से में स्क्रीन को तोड़ देता है। तब हिलरी जेस को उन्हें मारने को कहती है, जिससे जेस उस पॉड वाले रूम में लगी एक हैच को ओपन कर देती है, जिसके खुलने से समुद्र का पानी रूम में भरने लगता है। अब चारों सिर्फ रूम के गेट को खोलकर जिंदा बच सकते थे, जिसके लिए उन्हें इस स्टेशन का कंट्रोल अपने पास लेना होगा। इसलिए जोन एयरलॉक के रास्ते से समुद्र में आता है और उस स्टेशन के कॉम लिंक पर काम करके जेस का कंट्रोल खत्म कर देता है, पर समुद्र के प्रेशर के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब जोन की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे मोंटेस ने बचा लिया है, क्योंकि वह जोन से बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता
करता था। असल में कई साल पहले जोन ने मोंटेस को एक केस में जेल भेजा था। यहाँ जोन की टीम डूब रही थी, वहीं मोंटेस और जोन के बीच फाइट होती है। जोन मोंटेस को पानी में गिरा देता है और कंट्रोल रूम में आ जाता है, पर मोंटेस वहाँ आकर जोन पर हमला कर देता है, जिससे एक बार फिर उनकी फाइट होती है, जिसमें जोन एक फावड़े से मोंटेस को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस रूम का गेट खोल देता है, जिससे उसके साथियों की जान बच जाती है। इसके बाद सभी मोंटेस की सबमरीन में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान वहां मेगालोडॉन आ जाती है, इसलिए ज्यूमिंग उनका ध्यान भटकाने लिए स्टेशन की सभी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे मेगालोडॉन स्टेशन पर हमला करने लगती है। तब मौका देखकर वह सबमरीन से समुद्र के बाहर जाने लगते हैं। रास्ते में वह देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण थर्मोक्लाइन लेयर में एक बड़ा छेद हो गया है। तभी हम उस छेद से खतरनाक जानवरों को ऊपर आते हुए देखते हैं। इस बीच मोंटेस भी स्पेशल सूट पहनकर ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ मैक और डीजे को सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाता है कि जेस ने उन्हें धोखा दिया है। इसी दौरान हिलरी के आदमी मानावन बेस पर आ जाते हैं, जहां वह मैक और डीजे को मारने के लिए उनके पास जाते हैं, पर वह दोनों उनसे बचते हुए समुद्र में कूद जाते हैं और बेस के नीचे वाले हिस्से से अंदर आ जाते हैं, पर हिलरी के लोग वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तब जूमिंग और जोन वहां आ जाते हैं और अपने दोनों साथियों को बचा लेते हैं। इधर बेस में मोंटेस भी आ जाता है और जेस से मिलकर उसे किस करता है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों कपल है। इधर उन्हें तीन मेगालोडॉन शार्क दिखाई देती है, जो कि थर्मोक्लाइन लेयर से ऊपर आ गई थी, इसलिए जेस हिलरी को इस बारे में बताती है, जिस पर हिलरी कहती है कि इस कंट्रोल रूम के कांच को शार्क नहीं तोड़ सकती, पर तभी एक शार्क कांच तोड़ देती है और जेस को खा जाती है। ये देखकर मोंटेस जल्दी से कंट्रोल रूम से भाग जाता है। दूसरी तरफ जोन और उसके साथी एक बोट में बैठकर भागने लगते हैं, जिससे हिलरी के लोग दूसरी बोट से उनका पीछा करने लगते हैं, पर जब वो जोन के साथियों पर गोलियां चलाने वाले होते हैं, तब एक शार्क उन लोगों को खा जाती है। इसके बाद जोन अपनी बोट पर मौजूद चीजों से बॉम्ब वाला हार्पून बनाता है और फिर वो सभी फन आइलैंड की ओर जाने लगते हैं। इस आइलैंड पर काफी टूरिस्ट आए हुए थे, जिनमें कुछ लोग एक बोट पर एंजॉय कर रहे थे। तभी उनकी बोट अचानक से हिलने लगती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। तब थर्मोक्लाइन लेयर से आया ऑक्टोपस उन्हें खाने लगता है। इसी दौरान हिलरी और मोंटेस हेलीकॉप्टर से उस आइलैंड पर आ जाते हैं, लेकिन जब वो जंगल में जाते हैं, तब मगरमच्छ की तरह दिखने वाले क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। यह देख हिलरी जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर मोंटेस को बुलाने लगती है, जिससे एक क्रीचर उसकी आवाज सुन लेता है और वहां आकर हिलरी को पकड़कर ले जाता है। इस बीच जोन और उसके साथी आइलैंड पर मौजूद लोगों को वार्न करते हैं कि यहां शार्क का हमला होने वाला है, जिससे सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं। तभी शार्क वहां आ जाती है और लोगों को खाने लगती है। यहां जोन मैंग को छिपने का कहकर अपने लोगों के साथ हार्पून्स ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं डीजे और रीगास एक शेड में जाकर छुप जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि क्रीचर्स हिलरी के लोगों को खा रहे हैं। इधर जोन को एक जेटस्की मिलती है, तब वो अपने साथियों के हार्पून्स लेकर उस जेटस्की से समुद्र में जाने लगता है, ताकि वो शार्क्स को मार सके। दूसरी तरफ मैक और ज्यूमिंग एक वेयरहाउस में जाते हैं और बॉम्ब बनाने के लिए नाइट्रेट ढूंढते हैं, जिस दौरान हिलरी के लोग क्रीचर्स से बचते हुए वहां आ जाते हैं, जहां वह मैक और ज्यूमिंग पर गन पॉइंट कर देते हैं। वहीं जोन शार्क से बचते हुए पानी में गिर जाता है, इसलिए वह तेजी से तैरकर जेटस्की पर वापस आ जाता है। जब शार्क उसे खाने के लिए आती है, तभी जोन जेटस्की लेकर भाग जाता है। इस बीच रीगास और डीजे क्रीचर से बचते हुए वेयर हाउस में आ जाते हैं, जहां उन्हें भी गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। यहां ज्यूमिंग उन लोगों को बातों में भटकाने लगता है और डीजे को एक बटन की ओर धक्का दे देता है, जिससे वेयर हाउस का गेट खुल जाता है और क्रीचर अंदर आकर हिलरी के लोगों को खाने लगते हैं। ज्यूमिंग के साथ ही नाइट्रेट का बैग लेकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद डीजे और रीगास एक फोन से इमरजेंसी टीम को कॉल करके उन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, जबकि मैक और ज्यूमिंग हिलरी के हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, पर वहां एक क्रिएचर होता है, इसलिए ज्यूमिंग उस क्रिएचर का ध्यान भटकाता है, ताकि मैक सेफली हेलीकॉप्टर पर पहुंच सके। तभी वह क्रिएचर ज्यूमिंग पर हमला कर देता है, लेकिन ज्यूमिंग एक फावड़े से उसे मार देता है। फिर वो हेलीकॉप्टर में फ्यूल डालने के पाइप को हेलीकॉप्टर में लगाता है, जिससे मैक हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन फ्यूल पाइप अभी भी हेलीकॉप्टर में लगा हुआ था, इसलिए ज्यूमिंग पाइप निकालने की कोशिश करता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। ये देखकर कुछ क्रिएचर उसकी ओर आने लगते हैं, पर तभी मैक हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करके फ्यूल टैंक पर फायर कर देता है, जिससे फ्यूल टैंक में आग लग जाती है और ज्यूमिंग क्रिएचर से बचकर हेलीकॉप्टर में आ जाता है। दूसरी ओर जोन का सामना एक शार्क से होता है, लेकिन शार्क को हार्पून से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो दूसरी शार्क पर अटैक करता है, तो उस शार्क की मौत हो जाती है। जोन अपने
आखिरी हारपून को फेंकने वाला होता है। तब मोंटेस उस पर शूट करने लगता है जिससे उसका हारपून नीचे गिर जाता है। यहाँ समुद्र के किनारे वह खतरनाक ऑक्टोपस आ जाता है और लोगों को मारने लगता है। तब मेइंग एक लेडी को बचाने के लिए पानी में चली जाती है। यह देखकर जूमिंग माइंग को बचाने के लिए नीचे जाने लगता है, पर तभी वह ऑक्टोपस उनके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है जिससे जूमिंग अपने बनाए बॉम्ब को लेकर दूर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर समुद्र में गिर जाता है। यहाँ जोन की जेट स्की एक शार्क से टकरा जाती है, इसलिए जोन जल्दी से ब्रिज पर कूद जाता है जिसके पीछे पीछे शार्क भी आ जाती है, लेकिन वह गलती से जंजीरों में उलझ जाती है और जोन ब्रिज के नीचे आ जाता है। इसी दौरान मोंटेस ब्रिज पर आकर गोलियां चलाने लगता है। तब जोन एक लकड़ी के टुकड़े से उसके पैर पर वार करता है जिससे उसका खून बहने लगता है। तब शार्क खून की स्मेल से वहां आ जाती है। यह देख जोन मोंटेस को पानी में गिरा देता है जिससे शार्क उसे खा जाती है। यहां ऑक्टोपस जूमिंग को पकड़कर अंदर खींच लेता है जिससे जूमिंग उस पर बॉम्ब लगा देता है। बॉम्ब के ब्लास्ट होने पर जूमिंग भागने लगता है, पर ऑक्टोपस उसे दोबारा पकड़ लेता है, जिस दौरान वहां हाइकी आ जाती है और उस ऑक्टोपस को मारकर जूमिंग की जान बचा लेती है। इसके बाद जूमिंग हेलीकॉप्टर में फंसे मैक को बचाने जाता है। तब जोन एक शार्क को उनकी ओर जाता हुआ देखता है, इसीलिए वह हेलीकॉप्टर के रोटर से पानी में वाइब्रेशंस करके शार्क को अपने पास बुलाता है। जैसे ही शार्क उसके पास आती है तब जोन उस पर रोटर से अटैक करके उसे मार डालता है। अब सभी बचे हुए लोग किनारे पर आ जाते हैं, पर जब जोन मैक और जूमिंग किनारे पर जा रहे होते हैं तब हाइकी उनके पास आती है। इसलिए जूमिंग पानी के अंदर जाकर अपने डिवाइस से हाइकी को मैसेज भेजता है कि वो यहाँ से दूर चली जाए। ये सुनकर हाइकी वहाँ से चली जाती है और वो तीनों किनारे पर आ जाते हैं। इसके बाद कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आइलैंड पर आ जाते हैं। मूवी के एंड में सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।